दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले 4.5 साल जजपा और भाजपा ने दोनों ने मिलकर सरकार चलाई, और यदि हम जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी की बात करें या हरियाणा के पूर्व CM दुष्यंत चौटाला की बात करें, तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि हमने पिछली बार जब भाजपा बहुमत में नहीं आ पाई थी तो हमने भाजपा को सहारा दिया और मनोहर लाल खट्टर को दूसरी बार CM बनने की, मतलब नवाजे CM की कुर्सी को। यदि हम अपने 10 विधायकों का समर्थन भाजपा को नहीं देते तो दूसरी बार भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती थी और ना ही मनोहर लाल CM बन सकते। यानी दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला का भाजपा पर ये आरोप है, संगीन आरोप है, कि भाजपा क्षेत्रीय दलों का पहले समर्थन लेती है, उनके सहारे सत्ता में आती है, फिर उन्हीं को मटिया मैट करने की नीति पर चलती है। दुमोही की तरह भाजपा के नेता बात करते हैं। अजय चौटाला का दावा है कि हमारे दम पर यह सरकार चली मनोहर लाल खट्टर की, हमने पूरा कॉपरेट किया, लेकिन जब चुनावी गठबंधन की बात आई, लोकसभा चुनाव करीब आए, और जो पहले से बातचीत चल रही थी कि जिस तरीके से हम हरियाणा में मिलकर सरकार चला रहे हैं उसी तरीके से मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन भाजपा ने हमें धोखा दिया। जिस तरीके से वो क्षेत्रीय दलों को धोखा देती रही है, जो उसका इतिहास है, अजय चौटाला ये भी दावा करते हैं कि एक तरफ तो भाजपा हमारे समर्थन से सरकार चला रही थी और दूसरी तरफ हरियाणा के CM दुष्यंत चौटाला यानी मेरे बेटे पर संगीन आरोप भी लगाए जा रहे थे। उस पर कई घोटालों में संलिप्त होने, मोटा माल बनाने के इस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला की लाल फाइल इतनी मोटी हो गई है और यदि ये कभी भी टेढ़े मेढ़े चले तो लाल फाइल खोल के दुष्यंत चौटाला को जेल में डाल देंगे। ये दोस्तों, ये तो बात सही है, हरियाणा नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि ऐसा भाजपा सूत्रों के माध्यम से खूब प्रचार किया गया कि जो भी विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे उसमें उन्होंने खूब घोटाले किए, खूब पैसा बनाया, और लेकिन भाजपा नेताओं का यह भी दावा था कि उनकी लाल फाइल भी हमने तैयार कर ली है, जब भी वो टेढ़े चलेंगे, जब भी जजपा हमें सपोर्ट नहीं करेगी या सरकार गिराना चाहेगी उसी टाइम हम ये फाइल खोलकर इन पर मुकदमा दायर करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे और दुष्यंत चौटाला को यानी डिप्टी CM हरियाणा को जेल में डालेंगे। अब लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से भाजपा ने जजपा को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, अब दोनों के बीच तनातनी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जजपा भाजपा पर धोखा देने का
आरोप लगा रही है। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और उनके नेता ये भी दावा करते हैं कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी मिलकर चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन एंड टाइम पर जब लोकसभा चुनाव आए वहां धोखा दिया, और अब जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सिर पर हैं, तो भाजपा ने धोखा दिया और उसने ऐलान कर दिया कि भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने भाजपा की खूब धुलाई की है। उनका दावा है कि भाजपा नेता महाझूठ बोलते हैं, ये अपने राजनीति साधने के लिए सामने वाले को खराब करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसे डाउन करने के लिए, उनकी राजनीतिक विरासत को खराब करने के लिए अफवाहें चलाते हैं। यदि दुष्यंत चौटाला की लाल फाइल बनी हुई थी और मुझ पर महाघोटाले के आरोप थे, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मंत्रालय दुष्यंत चौटाला के पास थे, तो वो लाल फाइल कहाँ है? दुष्यंत चौटाला के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं चलाए जा रहे? देखिए, इस वीडियो में देखिए अजय चौटाला ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। इसका मतलब 4.5 साल बंद थे, ये मानते हैं ना कि वो 4.5 साल बंद थे? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही, ये बात तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वो? इसका मतलब 4.5 साल पहले दरवाजे बंद थे, अब लोगों के लिए खोले गए हैं, तो अब लोगों को ठगने के लिए खोले गए हैं? बात करते थे चुनाव में दुष्यंत के खिलाफ फाइल खोलेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बाकायदा हमने चार्ज शीट दाखिल करके एक एक प्रूफ दिया था, और वो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने कोई काम किया उस पर? जिसको सजा देनी चाहिए, जिस पे एक्शन लेना चाहिए, उसके साथ तो मिली भगत करके काम करते हैं, और हमारे खिलाफ फाइल खोलने की बात करते हैं? खोलो ना फाइल, कहाँ गई वो? जिनमें वो ये भी कह रहे हैं कि नायब सैनी जो अब कई घोषणाएं कर रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, कि अब हम तुम्हें ये देंगे, अब हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, और ये सुविधाएं देंगे, इतनी पेंशन कर देंगे, और जो भी घोषणा आपके सामने चल रही है वो डिटेल में बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिर पिछले 4.5 साल से ये घोषणाएं भाजपा ने क्यों नहीं की थी? ये जनता सब समझ रही है कि जब चुनाव सिर पर आ गए हैं, पिछली बार भी बहुमत से दूर थे, तो अब इन्हें ये घोषणाएं याद आ रही हैं, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यदि भाजपा सचमुच प्रदेश का भला चाहती थी, प्रदेश के जो मांगे थी उनका पूरा करना चाहती थी, उनके लिए काम करना चाहती थी, उनके लिए विकास कार्य करना चाहती थी, तो 4.5 साल में ये घोषणाएं क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों, ये तो तय हो चुका है कि आने वाले समय में अब जजपा और भाजपा के राजनीतिक रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं, जुदा जुदा हो गए हैं, कहीं दूर दूर तक भी अब इनके एक साथ चुनाव लड़ने, एक साथ सत्ता में हरियाणा की सत्ता चलाने का कोई संभावना नहीं बची है। इसलिए दोनों पक्ष
एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अजय चौटाला ने यहां तक दावा किया है कि आरोप तो यह लगता रहा कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा नेताओं से मिलते रहे, खुद कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं और कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। लेकिन अजय चौटाला कहते हैं कि हकीकत तो ये है कि भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर राजनीति करती है और इसका सबूत यह है कि जब भाजपा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा था जमीन घोटालों के महाआरोप लगाए थे, लेकिन 10 सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भाजपा ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पूर्व गृह मंत्री अनिल विज दावा करते रहे कि हम हुड्डा को जेल भेजेंगे, लेकिन दो बार सत्ता चला ली, 10 साल सत्ता में हो गए, लेकिन भाजपा नेताओं का हुड्डा के खिलाफ ढुलमुल रवैया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, उनका घोषित रूप से जेल न जाना और धमाके से हरियाणा में राजनीति करना, ये इस बात का सबूत है कि भाजपा हुड्डा से मिली हुई है, इनकी आपस में अंटी संटी है, ये दोनों मिलकर अपनी सुविधानुसार राजनीति करते हैं और आने वाले दिनों में हम और भी इसके सबूत देंगे कि भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिली हुई है, उसके साथ मिलकर राजनीति करती है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। यानी अजय चौटाला ये कहते हैं कि हुड्डा भाजपा से कितने मिले हुए हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा हुड्डा जी से जरूर मिली हुई है और पर्दे के पीछे ये हरियाणा की राजनीति एक दूसरे की सुविधानुसार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोस्तों, जब दोनों सत्ता में थे गलवैयां करते थे, एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, एक दूसरे की सारी बातें मानते थे, जो दुष्यंत चौटाला कहते थे वो सीएम मानते थे, भाजपा नेता मानते थे, लेकिन जब से दोनों के रास्ते अलग हुए हैं अब वही ये लोग हैं कि एक दूसरे पर टूट पड़े हैं और भयंकर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी क्या करें, राजनीति है ही ऐसी चीज़, इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन होता है, और हाल ही का ये सबसे बड़ा सबूत है जजपा और भाजपा का पहले एक साथ सरकार चलाना और फिर दोनों का अलग होकर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करना। तो दोस्तों, देखते रहिए देश सोजाना, मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।